Hello everyone, welcome back to our channel. So today we are going to study chapter Mittu and the Yellow Mango from class first. चलो तो बच्चों इस स्टोरी को एंजॉय करते हैं, सुनते हैं अच्छे से. तो सबसे पहले हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, देन उसके बाद जो भी कुछ एक्सरसाइज होंगी, क्वेश्चन आंसर्स होंगे, वो सारा कुछ कवर करेंगे. तो जैसे जैसे मैं रीड करूँगी, आप भी मेरे पीछे पीछे रीड कर सकते हैं, जिससे कि आपकी रीडिंग प्रैक्टिस भी हो जाए. ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं. हाँ, स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है बटन को और बेल आइकन को भी दबा देना है, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं. मिट्टू वॉज ए पैरट. मिट्टू कौन था? एक पैरट था, यानी एक तोता था, जैसे कि इस पिक में दिख रहा है. सभी ने देखा भी होगा रियल में भी, है ना. अ ग्रीन पैरट विथ अ रेड बीक. तो वो कैसा था? एक हरे रंग का तोता था और उसकी जो चोंच थी वो लाल रंग की थी. बीक मींस क्या होता है? चोंच. ठीक है. वन डे मिट्टू वॉज फ्लाइंग. एक दिन मिट्टू उड़ रहा था. ही लव टू फ्लाई. उसको उड़ना बहुत पसंद है. ही लुक डाउन. उसने नीचे देखा. लुक डाउन का मतलब क्या होता है? नीचे देखा. ही सॉ अ बिग येलो मैंगो ऑन अ ट्री. उसने नीचे क्या देखा? उसने देखा कि एक बड़ा सा आम, एक बड़ा सा पीला आम एक पेड़ पर था. बिग येलो मैंगो यानी बड़ा पीला आम. ट्री मीन्स पेड़. ठीक है बच्चों, अब आप देखिए कि इसने इस पेड़ पर ये देखे, ये है ना आम, इसको देखा. मिट्टू लाइक मैंगोज. और मिट्टू को मैंगोज जो थे, आम जो थे, वो बहुत पसंद थे. आई वॉन्ट टू ईट डैट येल्लो मैंगो ही सेड. उसने कहा कि मैं इस आम को खाना चाहता हूँ, येल्लो मैंगो को, इस पीले आम को मैं खाना चाहता हूँ. ही फ्लू डाउन टू द ट्री. तो उसने क्या किया, वो उड़कर नीचे उस पेड़ पर पहुँचा. काउ काउ गो अवे. This is my tree, said a voice. तो वहाँ से आवाज़ आती है, काउ काउ जाओ यहाँ से, ये मेरा पेड़ है. एक आवाज़ आती है ऐसा. मिट्टू लुकड अप. तो मिट्टू ऊपर देखता है. लुकड अप का मतलब क्या होता है? ऊपर देखना. तो मिट्टू ऊपर देखता है. He saw a big black crow. और वो क्या देखता है कि वहाँ पे एक बड़ा सा काले रंग का कौआ है, जैसे कि इस पिक में देखिए, है ना. ये बड़ा सा कौआ है जो कि कह रहा था उसे कि तुम जाओ यहाँ से, ये मेरा पेड़. काओ काओ गो गो द क्रो साउटेड. फिर जो क्रो है, जो कौआ है, वो चिल्ला रहा था, जाओ जाओ. और वो चिल्ला के ये चीज कह रहा था. साउटेड मीन्स क्या होता है? चिल्लाना. गो मीन्स जाना. ठीक है. ही हैड ए वेरी लाउड वॉइस. और उस कौए की बहुत तेज आवाज थी, यानी बहुत ऊंची आवाज करके वो बोल रहा था कि जाओ यहाँ से, जाओ. जैसे कि आप इस पिक में देखिए, ये जो तोता है वो बहुत डरा हुआ दिख रहा है और ये इस पे चिल्ला रहा है. मिट्टू वॉज अफ्रेड ऑफ द क्रो. ही फ्लू अवे. तो मिट्टू बहुत डर गया उससे. जब वो चिल्लाया उस पर तो वो बहुत उससे डर गया और वहाँ से उड़ गया, वहाँ से दूर उड़ गया. अफ्रेड मीन्स क्या होता है? डरना. फ्लू अवे यानी उड़ जाना. ठीक है, दूर उड़ जाना. देन उसके बाद है, मिट्टू सॉ अ रेड बलून. मिट्टू फिर एक लाल गुब्बारे को देखता है. सॉ मीन्स क्या होता है? देखना. रेड बलून यानी लाल गुब्बारा. इट वॉज अंडर अ ट्री, जो कि पेड़ के नीचे था. ठीक है, ये देखिए, ये पेड़ है, इसके नीचे ये गुब्बारा है. ही हैड एन आइडिया. उसको एक आइडिया सूझा, उसको एक सुझाव आया, तरकीब उसने उसको आया. और जैसे ही उसने गुब्बारे को देखा तो उसको एक आइडिया आ गया दिमाग में. ही पिक्ड अप द रेड बलून. तो उसने उस रेड बलून को, उस लाल गुब्बारे को उठा लिया. ही वॉज केयरफुल नॉट टू वर्स्ट इट. तो वो बहुत ध्यान से उठा रहा था. केयरफुल मीन्स क्या? ध्यान से, कि वो कहीं फट ना जाए. वर्स्ट मीन्स होता है फटना. ही फ्लू टू द मैंगो ट्री. और वो उड़कर उस मैंगो ट्री पर वापस चला गया. द क्रो वॉज सिटिंग ऑन द ट्री. जो कौआ है वो उस पेड़ पर बैठा हुआ था. मिट्टू वेंट बिहाइंड द ट्री. तो मिट्टू ने क्या किया, वो पेड़ के पीछे चला गया. बिहाइंड मीन्स क्या होता है? पीछे. ठीक है, जैसे कि आप इस पिक में देखिए, ये कौआ बैठा है और ये इसके पीछे मिट्टू आ गया. ही पैक्ड द बलून विथ हिज रेड बीक. पैक्ड का मतलब क्या होता है? चोंच मारना. तो उसने अपने जो लाल गुब्बारा वो लिए था उसमें उसने अपनी चोंच मार दी. पॉप द बलून वर्स्ट. और पॉप सी आवाज आई और जो गुब्बारा था वो फट गया. इट मेड अ लाउड नॉइज. और जैसे ही गुब्बारा फटा तो उसमें से बहुत तेज आवाज आई. लाउड नॉइज मीन्स कि बहुत तेज आवाज आना या बहुत तेज शोर होना. ठीक है. काओ सेड द क्रो. तो एकदम से जो कौआ है वो चिल्लाया, काओ. एंड ही फेल ऑफ द ट्री. और वो पेड़ से नीचे गिर गया. फेल मीन्स होता है गिरना. ठीक है. काओ काओ अ बिग गन इज आफ्टर मी, सेड द क्रो. तो कौआ क्या बोलता है कि काओ काओ एक बड़ी सी बंदूक मेरे पीछे है. ही फ्लू अवे. और वो वहाँ से दूर उड़ जाता है. ही नेवर केम बैक टू द ट्री.
और वो पेड़ पर कभी भी वापस नहीं आता, ठीक है। तो क्यों क्यों नहीं आता, क्योंकि वो डर जाता है, उसको क्या लगता है कि कोई बड़ी सी बंदूक आ गई है मेरे पीछे। मिट्टू केम टू द ट्री, फिर क्या होता है, मिट्टू वापस से उस पेड़ पर आता है। ही एट द बिग येलो मैंगो, और वो बड़ी चाव से वो बड़ा सा पीला आम खाता है। एट मीन्स क्या होता है, खाना, जो कि ईट का सेकेंड फॉर्म होता है। यमी यमी व्हाट अ नाइस मैंगो ही सेड, और कहता है यमी यमी यानी कितना यमी है ये, कितना स्वादिष्ट है, कितना अच्छा है मैंगो है, कितना अच्छा आम है ये। ही वॉज़ वेरी हैप्पी, और वो बहुत खुश होता है, वो बहुत खुश था क्योंकि उसको जो आम खाना था उसने अपनी चतुराई से वो आम खा लिया था। क्लेवर मिट्टू, यानी वो बहुत ही चतुर और चालाक मिट्टू था। क्लेवर मीन्स क्या होता है, चतुर चालाक, ठीक है। तो उसने अपनी चतुराई से, अपने आइडिए से, अपने दिमाग लगा के उसने जो उसको करना था वो उसने पा लिया था। डर जरूर गया था, लेकिन उसके मन में एक आइडिया भी आ गया जिससे उसने उस कौए को डरा के भगा दिया। थी ना ये बहुत ही अच्छी सी स्टोरी बच्चों। अब हम इसके न्यू वर्ड्स देख लेते हैं जो भी कुछ बुक में है। न्यू वर्ड्स, ब्लैक, ब्लैक मीन्स होता है काला, जो कि एक कलर का नेम है। क्रो मीन्स क्या होता है, कौआ। मैंगो मीन्स आम, और पैरेट मीन्स तोता। और जो भी इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स हैं इस चैप्टर में वो हम रिटन में भी देख लेते हैं, ठीक है। उससे पहले हम लेट्स रीड वाला सेक्शन पढ़ लेते हैं। आई लाइक ईटिंग अ मैंगो, आई लाइक फीडिंग अ क्रो। तो सिर्फ ये आपको रीड करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। तो वर्ड मीनिंग्स हो जाएंगी, पैरेट मीन्स तोता, वीक मीन्स चोंच, फ्लाई मीन्स उड़ना, मैंगो मीन्स आम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है काओ, काओ मीन्स कौए की आवाज़, वॉइस मीन्स आवाज़, बैलून मीन्स गुब्बारा, आइडिया यानी विचार या सुझाव, ठीक है। नेक्स्ट है वर्स्ट मीन्स फटना, बिहाइंड मीन्स पीछे, पैक्ड यानी चोंच मारा, नॉइज मीन्स शोर या आवाज़, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा फेल, फेल मीन्स गिर गया, एट मीन्स खाया, यमी यानी स्वादिष्ट, क्लेवर यानी चतुर या चालाक। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स हो जाएंगे जिसको आप चाहें तो आप लिख सकते हैं किसी कॉपी में या फिर लर्न कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। क्वेश्चन आंसर्स क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन रीडिंग इज फन में दिया गया है। व्हाट डिड मिट्टू सी ऑन द ट्री, यानी मिट्टू ने पेड़ पर क्या देखा था। तो इसका आंसर हो जाएगा मिट्टू सॉ अ बिग येलो मैंगो ऑन द ट्री, मिट्टू ने एक बड़ा पीला आम पेड़ पर देखा था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द बिग ब्लैक क्रो से, उस बड़े काले कौए ने क्या कहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा द बिग ब्लैक क्रो टोल्ड मिट्टू टू गो अवे, तो उस बड़े काले कौए ने मिट्टू से कहा था कि तुम यहाँ से जाओ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हमारा व्हाट डिड मिट्टू सी अंडर द ट्री, मिट्टू ने पेड़ के नीचे क्या देखा था। तो इसका आंसर हो जाएगा मिट्टू सॉ अ रेड बलून अंडर द ट्री, मिट्टू ने पेड़ के नीचे क्या देखा था, एक लाल गुब्बारा देखा था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट्स टॉक में पूछा गया है, जिसको आप अपने ओन वर्ड्स में बताएंगे, ठीक है। आपको क्या पसंद है क्या नहीं है वो आपको अपने शब्दों में आंसर देना है। यहाँ मैं बस एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता देती हूँ। डू यू लाइक ईटिंग मैंगोज, क्या आपको मैंगोज खाने पसंद हैं। अगर आपको पसंद है तो यस लिखिए, और नहीं है तो नो लिखिए, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ अपना लिखा है कि हाँ मुझे पसंद है, तो मैंने यहाँ लिख दिया है यस आई लाइक ईटिंग मैंगोज, ठीक है। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप कैसे लिख सकते हैं, नो आई डोंट लाइक मैंगोज, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू लाइक ग्रीन मैंगोज एंड वाई। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको जो ग्रीन कलर के मैंगोज आते हैं, हरे आम आते हैं, आपको वो पसंद है, और अगर पसंद है तो क्यों पसंद है। जैसे कि कैरी आती है ना, हरा आम यानी कैरी जो होती है, जिसको हम अमिया भी बोलते हैं, छोटे साइज में जो आती हैं, अगर वो आपको पसंद है और क्यों पसंद है वो हमें बताना है। जैसे कि मैंने आंसर अपना लिखा है नो आई डू नॉट लाइक टू ईट ग्रीन मैंगोज, दे आर सोर इन टेस्ट, मतलब मुझे जो हरे आम है वो मुझे पसंद नहीं है क्योंकि उनका जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है। अगर आपको पसंद है तो आप ये भी लिख सकते हैं यस आई लाइक टू ईट ग्रीन मैंगोज बिकॉज दे आर सोर इन टेस्ट, ठीक है। क्योंकि बहुत लोगों को पसंद होते हैं वो मैंगोज क्योंकि वो खट्टे होते हैं, और बहुत लोगों को पसंद नहीं होते क्योंकि वो खट्टे होते हैं और वो उन्हें खा नहीं पाते, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू लाइक येलो मैंगोज वाई। अब इसमें पूछा गया है कि आपको पीले आम पसंद हैं, और पसंद हैं तो क्यों पसंद हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ आंसर लिखा है येस आई लाइक येलो मैंगोज एज दे हैव अ स्वीट फ्लेवर, हाँ मुझे पीले आम बहुत पसंद हैं क्योंकि वो बहुत मीठे होते हैं स्वाद में, ठीक है। उनका फ्लेवर बहुत स्वीट होता है, बहुत मीठा होता है, इसीलिए मुझे वो पसंद है। आपको जो भी पसंद है
या ना पसंद है वो आप यहाँ आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट शेयर, जिसने पूछा है कलर द चिली रेड एंड द पैरेट इन कलर्स ऑफ योर चॉइस। अब नीचे आपको ये पैरेट दिख रहा है, इसमें एक मिर्ची भी है, मिर्ची की तस्वीर है, जिसमें आपको लाल रंग भरना है और उस पैरेट को आपको अपने मनपसंद कलर से भरना है। मतलब जो भी आपका मन करे वो कलर्स आप इस पैरेट में भर सकते हैं। तो आपको ये खुद करना है, जो भी आपका मन है वो आप इस कलर में भर सकते हैं, ठीक है। अब नीचे ये आपको गाने के लिए दिया गया है, पैरेट विथ अ रेड बीक कैन यू रियली स्पीक, मिट्टू 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 मिट्टू, ठीक है। तो आप इसको गा सकते हैं। उसके बाद है ये देखिए, उसके बाद दिया गया है ट्रेस द पाथ ऑफ अ लेडी बर्ड। ये जो लेडी बर्ड है रास्ता आपको ट्रेस करना है, यानी आपको लाइन बनानी है, जैसे कि जैसे जैसे एरो है ना वैसे आप कर सकते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। जैसे ही वो फूल के पास पहुंच जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा। मैच द फ्रूट एंड वेजिटेबल्स टू द ट्रीज दे ग्रो ऑन। अब एक साइड आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दिए गए हैं, यानी फल दिए गए हैं और सब्जियां दिए गए हैं, और नेक्स्ट में आपको उनके पेड़ दिए गए हैं। उन सब्जियों से कौन सा पेड़ ग्रो होगा वो हमें बताना है, वो हमें मैच करना है, ठीक है, जोड़ना है। बनाना से कौन सा पेड़ ग्रो होगा, तो कौन सा हो जाएगा, बनाना ट्री, तो इससे ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद दिया गया है कोकोनट, तो कोकोनट से कोकोनट ट्री। उसके बाद एप्पल, तो एप्पल से एप्पल ट्री। ग्रेप्स, ये हो जाएगा ग्रेप वाइन। एंड मैंगो, मैंगो ट्री। तो ये हमारी मैचिंग्स हो जाएंगी, आप भी कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत सिंपल है। एंड नेक्स्ट हमारा दिया है लर्न टू राइट। अब आपको क्या करना है, ड्रॉ ओवर द डॉटेड लाइन्स। नीचे जो भी पिक्चर दी गई है उसमें आपको जो भी डॉट दिए गए हैं, यानी बिंदी बिंदी दी गई हैं, उनके ऊपर आपको लाइन खींचनी है, जिसमें यानी ट्रेसिंग करनी है। जैसे कि ऐसे हो जाएगा, जो भी बिंदी बिंदी है ना इनके ऊपर आपको सिंपली लाइन खींचनी है। आप इसको बुक में कीजिएगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा। बाकी यहाँ तो ऐसे ही होगा, बुक में अच्छे से हो जाएगा। यहाँ तो मैं बस आपको ऐसे ही बता देती हूँ एक एग्जांपल के तौर पे कि आपको कैसे करना है। मतलब जो भी ये बिंदी बिंदी है ना, एग्जैक्ट उसी के ऊपर ही आपको लाइन खींचनी है। आई होप आपको अच्छे से आ गया होगा समझ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, से अलाउड। से अलाउड में आपको येलो कलर के बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हैं जिन्हें आपको जोर जोर से बोलना है। बैट, कैट, मैट, बैड, फेड, रेड, बिट, हिट, पिट, डॉट, हॉट, पॉट, बन, फन, रन, ठीक है। तो इन्हें आपको जोर जोर से घर में प्रैक्टिस करनी है। चूज अ लेटर फ्रॉम द बॉक्स एंड कंप्लीट द वर्ड्स बिलो। अब ये बॉक्स दिए हैं, इसमें लेटर्स दिए हैं ए ई आई ओ यू, इनको यूज़ करके नीचे दिए गए वर्ड्स को हमें कंप्लीट करना है। तो इनको हम बॉबिस भी कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप लिख सकते हैं एस आई टी सिट, पी आई जी पिग, बी ए जी बैग, डी ओ टी डॉट, एस यू एन सन, बी आई एन बिन, ठीक है, एल आई टी लिट। एंड यहाँ लिख सकते हैं सेट, एस ए टी सेट, एल ई जी लेग, एंड एफ यू एन फन। तो ऐसे आप लिख सकते हैं, इनको कंप्लीट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है जो मैंने बताया बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही लिखना है, आपको अगर अलग मीनिंग आती हैं इन वर्ड्स को कंप्लीट करने के लिए तो आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ बैग लिखा है मैंने, तो इसकी जगह बिग भी हो सकता है, यानी यहाँ आई भी हम लिख सकते हैं, तो ये डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक। चैप्टर यहीं ख़त्म होता है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया हो। अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।